सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन। कन्या भोज के बाद की प्रेस वार्ता। नारी पूजन हमारी परंपरा है। महानवमी के पावन पर प्रमुख मंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ कन्या पूजन कर इस परंपरा को नई ऊंचाइयां दी। इसके साथ ये संदेश भी दिया कि नारियों के सम्मान और सुरक्षा का ये क्रम उनकी सरकार में जारी रहेगा। कन्या पूजन के बाद वहाँ मौजूद पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने नारियों के हित में केंद्र में और प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए तमाम कदमों का जिक्र भी इसी उद्देश्य से किया। बता दें कि नारियों के सम्मान में गोरक्ष पीठ में कन्या पूजन परंपरा रही है। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परंपरा को पूरे मनोयोग से निभाया। इस दौरान कन्या और योगी के चेहरे के भाव देखने वाला था। आसन पर बैठे योगी के सामने एक बड़ा परात पीतल की थाली पर रखा गया था, जिसमें देवी स्वरूपा नौ कन्या और बटुक भैरव भारी बारी बारी से खड़े हुए। योगी ने पूरे श्रद्धा पूर्वक सभी बच्चियों के पांव पखारे, उनके माथे पर तिलक लगाया, बनारसी चुनरी उड़ाई और मंत्रोच्चार के साथ उनकी आरती की। इसके साथ ही उन्होंने कन्याओं को दक्षिणा और वस्त्र भी भेंट किया। कन्या भोज में उपस्थित मीनाक्षी राय, राखनी राय और विजय लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि हम यहाँ दूसरी बार कन्या भोज के लिए आए हैं। महाराज जी हमसे बहुत स्नेह करते हैं, वो हमें दक्षिणा और कपड़े इत्यादि भी देते हैं। बच्चों ने कहा कि उन्हें महाराज जी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर साल नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखते हैं। पिछले 3 दिनों से गोरखपुर में है और तब से परंपरा अनुसार मठ में पहली मंजिल पर पूजन हवन और देवी की उपासना कर रहे हैं। योगी मंगलवार को 4 दिन बाद दशहरे के दिन मठ से नीचे उतरेंगे। इस क्रम में 9 बजे सुबह अन्य संतों एवं पुजारियों के साथ नाथ जी के विशिष्ट पूजन में अपने दिन की शुरुआत करेंगे। शाम 4 बजे वे अपने परंपरागत वेशभूषा शोभा यात्रा के शक्ल में मानसरोवर मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ पूजा अर्चन के बाद बगल के रामलीला मैदान में जाकर भगवान श्री राम का तिलक कर मंदिर लौट आएंगे। कार्यक्रम का समापन देर रात तक चलने वाले सहभोज से होगा। उत्तर प्रदेश संवाददाता अर्पित पांडे की रिपोर्ट। हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में वर्ष में 2 बार नवरात्रि की तिथियां आदिशक्ति माँ भगवती की पूजा करने, उनके अनुष्ठान करने का एक पवित्र अवसर प्रदान करता है। भारतीय परंपरा में नारी सशक्तिकरण और मातृशक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करने और उनके सशक्तिकरण के संकल्प का भी एक पर्व है। अभी यहाँ पर कुमारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम और इस निमित्त उनके लिए सहभोज का एक कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। यह एक पवित्र आयोजन है जो नारी सशक्तिकरण और मातृशक्ति के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का हम सबको प्रेरणा प्रदान करता है। हम सब इस बारे में पहले से ही जानते हैं कि नारी शक्ति का सशक्तिकरण हो, उनकी गरिमा और उनके सम्मान के लिए कार्य किया जा सके, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जहां पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर चला है, इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। वही साथ ही साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या फिर स्वच्छ भारत मिशन भी एक प्रकार से स्वस्थ भारत के साथ ही नारी गरिमा का प्रतीक भी बना है। 10 करोड़ परिवारों को 5 वर्ष में शौचालय उपलब्ध करवाना, 8 करोड़ परिवारों को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराने के साथ ही देश के अंदर लिंगानुपात को
संतुलित करने की दिशा में जो बड़ी भूमिका इन सभी अभियानों ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है, ये जगत जननी माँ भगवती के प्रति श्रद्धा और सम्मान का ही भाव है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने भी विगत 2.5 वर्ष के दौरान कोई बच्चा कोई बालिका स्कूल जाने से वंचित न रहे, इसके लिए स्कूल चलो अभियान के माध्यम से जहां एक विशेष अभियान प्रारंभ किया है, वहीं साथ ही साथ विगत 2.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर अकेले बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 50 लाख से अधिक बच्चों के अधिक नाम। मैं डॉक्टर यूपी सिंह, शारदा मेडिकल सेंटर एवं शारदा एकेडमी एवं राष्ट्रीय जन पार्टी की वरिष्ठ महासचिव उत्तर प्रदेश की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को नवरात्रि, दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों के झगड़े में हुई दुधमुही मासूम की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बच्चों के झगड़े को लेकर हुए विवाद में मासूम बच्चे की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस परिजनों के साथ बच्चे को लेकर पहुंचे CSC महमूदाबाद, जहां चिकित्सकों ने देखते ही बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिजन लगा रहे बच्चे को पटक कर मौत के घाट उतारने का आरोप। पुलिस ने सब का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। मामला सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम शाहपुर का है, जहाँ निसार पुत्र नियाज व रहमत अशरफ पुत्र गण सलीम के बच्चों के बीच दोपहर खेलने के दौरान मारपीट हो गई। बच्चों ने मारपीट की जानकारी घरों में जाकर दी। जानकारी मिलते ही घर की महिलाएं लोगों के साथ बाहर निकल आईं, मारपीट करने लगी। मारपीट में निसार की महज 2 दिन की दुधमुही बच्ची को किसी ने मां की गोद से छीनकर पटक दिया। बच्ची मरणासन्न हालत में बेहोश हो गई। मारपीट में दूसरे पक्ष से मोमिया पुत्री असगर को भी हल्की चोटें आई। ग्रामीणों ने बीच बचाव करते हुए घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष दिनेश सिंह महफोर्स मौके पर पहुंचे और अन्य फानन में मरणासन्न हालत में दुधमुही बच्ची को लेकर CSC महमूदाबाद पहुंचे। CSC के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर अनवर ने दुधमुही मुस्कान को देखते ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। वहीं थाना अध्यक्ष की माने तो तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर प्रभावी कार्रवाई की बात कही गई है। सीतापुर जिला ब्यूरो नरेश पांडे की रिपोर्ट। लड़के ऐसे बड़े हैं। कौन कौन नाम? शमशाद और सालान। हाँ, कैसे क्या हुआ? दोनों बच्चे बाहर खेलते हैं, उनका तो पता नहीं, हम अंदर सो रहे हैं। तो वे बच्चे इनके बच्चे हमारे दरवाजे पर आए खेल रहे हैं। अब हमारे बच्चे और इनके बच्चे मतलब झगड़ा, इनका लड़का है 8 साल का, इनसे हुए मैं 4 साल का, एक लड़का है 1-5 साल का, उनसे झगड़ा की ना आपस में। बस साहब, ये रहमत की दुल्हन, अशरफ की दुल्हन और असगर की दुल्हन, और असगर रहमत और अशरफ आते लोग आज घर के अंदर हुक्का मारे लगे। तो हमारा आदमी साहब खेत में पेड़ कट गया, तो ढाई बात बच्ची की मौत साहब हक्का मारे लग, हमका पता ना नटे थी नहीं, लाख धरी नहीं, का नहीं, सब लोग मुस्कान। कैसे क्या हुआ? तो कौन घर पे कौन था? मेरे दीदी थे, छोटे छोटे बच्चे थे। मुस्कान पिता, तुम्हारा क्या नाम है? निशा है। निशा बच्ची दो मिनट दे दूंगी। घटना क्यों हुई? हम खेत में थे, हमारे समर में, तो बच्चे और खेल रहे थे और ये जो है वो लोग मारे, ये कुछ अंदर से बोले, फिर ये लोग 3 औरतें और घर में असरफ अंदर जाके उसको बस मारने लगे बच्चे को। दिन भर की लेटेस्ट जानकारी के लिए, अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए अखंड।